नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग लगातार नए बिजनेसेस के ऊपर और पुराने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए या स्टार्टअप है तो उसको कैसे और अच्छे तरीके से प्लान करके ले जाना चाहिए, ये सब के ऊपर हमेशा वीडियोस बनाते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग काम भी करते हैं। हम लोग का कोलकाता में अपना जो है लॉ फर्म है और स्टार्टअप फर्म है जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर से किए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस भी है। मगर लगातार ग्रोथ होने के लिए और ख़ुद भी सीखने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए हमेशा अपने आप में चेंजेस करना चाहिए, जो हम लोग कोशिश करते हैं और YouTube के माध्यम से आप लोगों को भी बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या नया आ रहा है या आपके मैनेजमेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ जाए। तो एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में काफ़ी दिनों से मतलब एक हिडन बाप तरीके से चल रहा है, जो हो सके आपके सामने 1 साल 2 साल में और भी ज़्यादा उभर के आए, तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं ताकि आप भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करके अपने बिजनेस में फ़ायदा उठा पाएँ। शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि D2C एक नया बिजनेस का मॉडल है जो अभी अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा काम स्टार्ट कर रहा है और लगभग इस साल समझिए तो 1 बिलियन की ये इंडस्ट्री है, यानी $1 बिलियन US डॉलर का अभी तक ये हो चुका है इंडस्ट्री और लगभग $100 बिलियन का अनुमान है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री हो जाएगा। तो आपकी भी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि आखिर ये D2C है क्या बिजनेस मॉडल। देखिए, आप भी चाहें तो अपने बिजनेस में इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। D2C बिजनेस मॉडल का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी अभी तक आपने देखा होगा कि B2B मॉडल, मतलब कोई ऐसा आदमी है ऐसा बिजनेस कर रहा है जो सिर्फ बिजनेसमैनों को ही उसकी ज़रूरत है, जैसे वेबसाइट बनाना, ये B2B मॉडल है। डिजिटल मार्केटिंग कराना B2B मॉडल है, या B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, जैसे FMCG गुड्स जो बना रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, सॉल्ट, कुछ भी, मोबाइल, ये B2C है कि मतलब बिजनेस मैन जो है वो सिस्टम से आ रहा है। तो इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या है? देखिए, इसमें जो B2C में जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है उसको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसका बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ है ये। B2C में क्या होता है कि ये डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है ये जो मैन्युफैक्चरर है उसके वहाँ से लेके डायरेक्टली ये कंज्यूमर के पास पहुँचता है। और फेसबुक, व्हाट्सअप इसमें काफ़ी हेल्प कर रहा है लोगों की मार्केटिंग करने में भी और सिस्टम बताने में और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिससे बहुत सारे बिजनेसेस अभी खड़े हो चुके हैं इस कंपनी का फ़ायदा उठा के या D2C का फ़ायदा उठा के। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, फूड कंपनी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई फूड कंपनी है जो डायरेक्ट अपना काम करती है और विदाउट कोई होलसेलर, विदाउट कोई रिटेलर को अपॉइंट किए हुए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या कंज्यूमर अफेयर्स के माध्यम से वो डायरेक्ट समझिए कि कंज्यूमर को अपना सामान बेच रही है, तो उस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा कि उसने एक तो होलसेलर का मार्जिन बचा लिया, दूसरा रिटेलर का मार्जिन बचा लिया। तो अगर मान लीजिए 10-15% रुपए या मार्जिन भी अगर वो बचा लेती है अपने प्रोडक्ट पे, तो उसका सीधा फ़ायदा तो उस कंपनी को मिलने वाला है जो ये कंपनी काम कर रही है। तो अगर वो डायरेक्ट अपने कस्टमर को थोड़ा चीज़ें सस्ते भी दे, मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी चाहे तो वो बना सकती है, अपने रिसर्च के ऊपर खर्चा कर सकती है, अपने मतलब उसको ऐसा पैसा मिल जाएगा जो डायरेक्ट अपने ऊपर खर्चा करे और कंपनी को आगे बढ़ा पाए। तो अगर आप भी बिजनेस चला रहे हैं, FMCG इंडस्ट्री में हैं, गोल्ड इंडस्ट्री में हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हैं, तो आपकी भी कोशिश अब आहिस्ते आहिस्ते होनी चाहिए कि आपका जो फॉर्मेट है वो D2C में आ जाए, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर के पास वो चीज़ें आ जाए। अगर आप इस फॉर्मेट में आते हो तो आपको होलसेलर, रिटेलर, ये दो चीज़ें, बहुत बड़ी मार्जिन आपकी जो चली जाती है वो बच जाएगी और एक अच्छा खासा मुनाफा आप कमा लोगे। जैसे आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक फूड कंपनी थी जयपुर की, ओमे फूड, आप देखिएगा 2019 के आसपास ही इसका स्टार्टअप हुआ था और आज 2 साल हुआ, मगर काफ़ी ये कम से कम 10 ऐसे शहरों में ये कंपनी फैल चुकी है जहाँ पे ये अपना काम कर रही है। ये लोग किसी भी होलसेलर, किसी भी रिटेलर को ये लोग नहीं रखते हैं, ये लोग जयपुर बेस्ड कंपनी है, डायरेक्ट जयपुर से रिलेटेड और राजस्थान से रिलेटेड जो फूड्स है वो डायरेक्ट ये कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाते हैं, स्नैक्स हो गया या वहाँ का दाल बाटी चूरमा जो होता है काफ़ी फेमस होता है, ये सारी चीज़ें। और इसको ये लोग अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इस तरीके से प्रमोट करते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर पकड़ते हैं। दूसरा एक ऑर्गेनिक फार्म है महाराष्ट्र में जो खेती करते हैं, ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। आज ये लोग
कम से कम समझिए तो करोड़ों की जो इनकी वैल्यूएशन है और करोड़ों का माल ये लोग अपने यहाँ से डायरेक्ट कंज्यूमर को एक्सपोर्ट करते हैं या इंडिया में डायरेक्ट कंज्यूमर को ये लोग सप्लाई करते हैं। तो कितना अच्छा हो अगर आप भी इस तरीके का मॉडल को ही अपनाएं, डी टू सी मॉडल, जिसमें आपको होलसेलर और रिटेलर को अगर कुछ ना पे करना पड़े या उस दोनों को आप एबॉलिश कर दें, डायरेक्ट आप कंज्यूमर से 1-to-1 अगर रहें तो आपको डायरेक्ट फीडबैक भी मिलेगा कि आपकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, आपका सर्विस में क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है। डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलेगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कैसे अच्छा है, इसका रेट ठीक है या नहीं, पैकेट ठीक है या नहीं है, डिज़ाइन ठीक है या नहीं, टेस्ट कैसा है, कोई भी सर्विस का क्वालिटी पैरामीटर तो होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा आप लेवल पे जा सकते हैं और अपने कंपनी को बढ़ा सकते हैं। और 2025 तक आशा है ये कंपनी 100 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाएगी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप भी कंपनी चला रहे हैं तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अपना बिजनेस मॉडल बनाइए डी टू सी का और डायरेक्ट मार्केट में आइए ताकि आपकी कंपनी की जो है ग्रोथ बढ़े और आप एक लंबा कंपनी चला पाएँ और आपका ब्रांड जो है इस्टेब्लिश कर पाएँ। और अगर आपको हमारी इस कंपनी में ऐसा काम करने में मदद चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9230222490, ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ और ऐसे 2-3 प्लान आपको बना के दे पाएँ जिससे आप डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँच पाएँ और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको, और अगर आपके आसपास भी बिजनेसमैन हैं तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनका भी जो आइडिया है, ट्रेडिशनल आइडियाज जो है मार्केटिंग करने का या बिजनेस चलाने का, उसमें चेंजेस आए, नहीं तो आगे इस तरीके से जिस तरीके से चल रहा है बिजनेस वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप उनकी मदद ही कीजिएगा, तो आशा करता हूँ एज ए ह्यूमन बींग हम भी आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए लोगों की मदद करने की। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।